गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रॉलेटेड तक भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन किया था। आज हम आएंगे आगे पढ़ते हैं कि रॉलेटेड के बाद क्या। रॉलेटेड में जो मतलब कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके उपरांत हुआ क्या? उसके उपरांत सबसे मुख्य उद्देश्य था, जब ये सारी चीज़ें हुई, नरसंहार हुआ, उसके उपरांत एक कमेटी की बैठक हुई जिसे हंटर कमेटी कहा जाता है, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो गांधी जी क्या हो गए? खिन्न अर्थात नाराज। उन्होंने सोचा अब इस तरह से आग्रह सत्याग्रह से अंग्रेजों का सामना करना स्वाभाविक नहीं, इनको कुछ न कुछ सीख दी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये क्या असहयोग अर्थात सहयोग न सहायता न। इससे उन्होंने सोचा अगर अंग्रेजों की भारतीय सहायता नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि केवल अंग्रेज भारत में सारे कार्य अपने हाथों के द्वारा नहीं कर सकते, और इससे क्या करेंगे, वो लोग हमारी बातों को मानने में के लिए राजी हो जाए। अब हुआ क्या? इसका मुख्य कारण क्या था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहला तो प्रथम विश्व युद्ध में जो कारण है असहयोग आंदोलन के, तो कारण एक था, पहला प्रथम विश्व युद्ध में अपने वादे से मुखर रहा, और पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया था यदि वो अपनी हमारी सहायता करेंगे तो हम उनको विश्व युद्ध जीतने के उपरांत स्वतंत्र कर देंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरा क्या था? दूसरा कारण ये हुआ जलियांवाला बाग हत्या, दूसरा मुख्य कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था? इसमें अनेक लोग मारे गए थे और अनेक लोग घायल भी हुए थे, जिससे गांधी जी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था। तीसरा कारण था हंटर कमेटी, हंटर कमेटी का बहिष्कार। गांधी जी द्वारा जब ये चीजें 1919 में हुई, रॉलेटेड पारित हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसके बाद एक हंटर कमेटी का आयोजन किया, बैठक की गई, जिसमें अंग्रेजों ने जो लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में उनकी मृत्यु हुई थी या जो घायल हुए थे उनको सही मुआवजा नहीं दिया गया और इस हत्याकांड को सही किया गया, इससे होना। तीसरा कारण क्या रहा? चौथा कारण रहा उनका जो मुख्य कारण था वह था सुधार। इन कार्यों में कोई भी सुधार नहीं किया गया, ऑलरेडी केवल लोगों को परेशान किया गया और बाकी अंग्रेजों ने अपने बर्ताव में कोई भी सुधार नहीं किया। अब हुआ क्या? तब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चालू कर दिया, असहयोग आंदोलन चालू। असहयोग आंदोलन का अर्थ था कि किसी कार्य में अंग्रेजों की सहायता न करना, कार्य कोई नहीं। फिर क्या हुआ? अब हम देखते हैं कि ये कारण था प्रथम विश्व युद्ध, अंग्रेजों ने अपने वादा पूरा नहीं किया, उन्होंने लोगों को स्वतंत्र नहीं किया, उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोगों में अनेक लोगों को मृत्यु हुई और इस अनेक लोग घायल भी हुए। तीसरा कारण क्या रहा? हंटर कमेटी का बहिष्कार।
इसलिए किया गया क्योंकि हंटर का जो हंटर कमेटी थी वो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को सही ठहरा रही थी, गलत नहीं ठहरा रही थी। वो कह रही थी जब हाय आप लोगों के घर से जागरूक था तो आप लोगों ने ऐसा कार्य क्यों किया, जिससे गांधी जी अत्यधिक नाराज हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। असहयोग आंदोलन जो था ये 1920 ईस्वी में छेड़ा गया। 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन थे, इसकी शुरुआत की गई। अब क्या हुआ, अब इसके मतलब कि जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया इसके उद्देश्य क्या थे, ये देखना होता है उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य क्या थे, अब उद्देश्य क्या हो सकते हैं, सब लोगों में पढ़ा भी हो। सबसे पहले सरकार की सहायता करना, दूसरा सरकारी कार्यों को ठप कर देना, तीसरा कारण क्या था, इस तरह से सरकारी कार्यों को ठप कर देना, अपनी अपनी नौकरियों को छोड़ देना, ठीक, और सरकार पर स्वतंत्रता के लिए दबाव, ये मुख्य कारण थे स्वतंत्रता के लिए सरकार पर दबाव, ये मुख्य उद्देश्य थे आपके असहयोग आंदोलन। पहला सरकार की सहायता न करना, किसी भी कार्य में हो सरकारी व्यक्ति की सरकार की सहायता बिल्कुल नहीं करनी है, सरकारी कार्य को ठप कर देना था, स्वतंत्रता के लिए सरकार पर दबाव बनाना, ये मुख्य कार्य थे किसके, असहयोग आंदोलन के। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम किए गए ये भी देखना अनिवार्य होता है। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य हुए, कार्यक्रम क्या कि इस दौरान लोगों ने क्या किया। पहला स्वदेशी कपड़ों वस्तुओं का आविष्कार किया, वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा जो विदेश से वस्तुएं आती हैं उनका हम प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे और हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या रहा, भाई कपड़ों की होलियां जला देंगे, होलियां जलाएंगे। तीसरा क्या हुआ, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया गया, लोगों ने सरकारी नौकरियां जो कर रहे थे उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। फिर चौथा कारण क्या रहा, अध्यापक और विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया जितने भी लोग थे। फिर क्या हुआ, जो बड़े बड़े लोग थे जिनको उपाधियां मिली हुई थी हर हर क्षेत्र में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब कि सरकारी उपाधियों का त्याग कर दिया। सरकारी उपाधियों का क्या कर दिया है, जिनको जो उपाधि मिली थी उन्होंने उसको छोड़ दिया। चौथा हुआ, छठा कारण तुम्हारा रहा,
kambah di starter dia. Kaya wong yang lain yang dia ini. तो इस तरह से असहयोग आंदोलन पूरे भारत में धीरे धीरे फैलता चला गया और एक बहुत बड़ा व्यापक रूप ले लिया। फिर हुआ क्या, गांधी जी ने जब देखा कि यह असहयोग आंदोलन धीरे धीरे अपने विशाल रूप को धारण कर चुका है और लोग धीरे धीरे अहिंसात्मक होते जा रहे हैं, तो क्या हुआ, फिर हुआ यूँ थोड़े दिन बाद धीरे धीरे उसका कारण ये हुआ कि पहला कारण ये हुआ जो तुम्हारे निर्वाचन क्षेत्र था, राजनीतिक क्षेत्र में जिन लोगों ने हिस्सा ले रखा था उसमें पहला परिणाम ये हुआ दो तिहाई लोगों ने निर्वाचन क्षेत्र में हिस्सा लेने से मना कर दिया और उन्होंने मतलब कि उसमें हिस्सा नहीं लिया। फिर क्या हुआ, अब एक तो वही आपका हो गया कि जो अध्यापक और विद्यार्थी थे उन्होंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था, उन्होंने सरकारी उपाधियाँ भी ग्रहण कर दी थी। तो इस तरह से धीरे धीरे असहयोग आंदोलन बहुत व्यापक रूप लेता चला गया और सबसे मुख्य घटना लास्ट में एक ये हुई कि 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर लोगों ने क्या किया, एक थाने में या पुलिस थाना था जो चौकी थी उसमें जाकर के लोगों को थाने में बंद कर दिया, जो वहाँ के पुलिस वाले थे उसमें आग लगा दी, जिससे गांधी जी बहुत अधिक दुखी हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मतलब कि उन्होंने जब ये घटना घटी गोरखपुर चौरी चौरा वाले स्थान पर तो उन्होंने कहा कि अब लोग धीरे धीरे हिंसात्मक होते जा रहे हैं तो यह आवश्यक है कि वह आंदोलन को वापस ले लें, क्योंकि गांधी जी कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं थे। अब जब उन्होंने गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया तो क्या था, गांधी जी अब धीरे धीरे मतलब कि गांधी जी अपने पीछे कदम जब खींचे तो लोग बहुत से ऐसे लोग थे जो कांग्रेस की पार्टियों से अलग हो गए, कुछ लोगों ने गांधी जी का साथ दिया तो कुछ लोगों ने का साथ नहीं दिया। अब इस तरह से धीरे धीरे लोगों में दो गुटों में लोग बट गए। अब गांधी जी फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बात बढ़ती रही। अब इन सब चीज़ों की जांच के लिए 1928 ईस्वी में सारण कमीशन की एक बैठक हुई और इस बैठक में क्या निर्णय हुआ, इसके बाद हम लोग इस वीडियो के अगले वीडियो में बात करेंगे।